हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट डाई डॉक्टर वंस अगेन। तो होप आप सब घर पे हैं और सेफ हैं और ख्याल रख रहे हैं अपना। घर पे रहिए, यही एक सोल्यूशन है इस महामारी से बचने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है M30S पे अगेन, क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स इस फ़ोन को पसंद करते हैं और काफ़ी लोगों ने मेरे सजेशन के ऊपर इस फ़ोन को लिया है और मोस्ट ऑफ देम आर सेटिस्फाइड। और मेरे जो भी भाई अभी देख रहे हैं जो इससे सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी लिखें। और आज का, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी पहले बहुत फैली थी, बहुत अच्छा फ़ोन है, अभी भी मैं स्टिल कहूँगा इट इज़ बेस्ट फ़ोन। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है। और काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया स्पेसिफिकली, कि कई लोग कह रहे थे कि पहले हमें गेमिंग या कोई भी हाई परफॉर्मेंस टास्क हम इस पर आसानी से कर पा रहे थे, लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि अब थोड़ा स्लो हो गया है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, लेकिन अब आज इसमें आपको डेमो भी देंगे कि आपको अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ करके रखना पड़ता है। ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कि आपको क्या होता है, जब भी हम फ़ोन नया लेते हैं तब उसमें खाली होता है वो, फिर हम उसमें ऐप्स डाउनलोड करते हैं। जैसे ही वो ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो हर एक ऐप का कुछ ना कुछ चलता रहता है उसमें, वो अपडेट होती है, वो कुछ ना कुछ आपकी मेमोरी यूज़ करती है। तो उस सब प्रोसेस में हम अपनी ऐप्स को बढ़ाते जाते हैं, 10, 20, 30 बढ़ती जाती हैं ऐप्स। तो उस तरह से क्या होता है, हर एक ऐप का अपना अपना लोड बढ़ता जाता है, तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी यूज़ करती रहती हैं, कुछ अपडेट के लिए, कुछ किसी भी चीज़ के लिए। तो इस तरह से कंज्यूम होता रहता है। तो होता क्या है, जब ऐसे काफ़ी सारी ऐप्स आप में इकट्ठी हो जाती हैं, तो हफ्ते दो हफ्ते बाद आपको क्या करना चाहिए, ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए कि उसमें जो चीज़, जो मेमोरी यूज़ करके, कैशे मेमोरी चीज़ होती है जो फ़ोन को स्लो करती है, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, मतलब आप कैशे मेमोरी को क्लियर नहीं करते हैं। तो वही मैंने आपको इसमें बताना है तरीका, कि जो जो भी मेरे भाई सोच रहे हैं कि ये बाद में स्लो हो जाता है, स्लो नहीं होता फ़ोन। एक तरह से बिल्कुल एक फंडा है, जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, नई गाड़ी शुरू में चलाएं, अगर आप उसको साफ़ नहीं कराएंगे, मतलब सर्विस नहीं करवाएंगे, तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस में आपको फ़र्क डेफिनेटली दिखेगा। वैसे हर एक मशीन है, वैसे ये डिजिटल मशीन है, इसके लिए भी सर्विसिंग के लिए किसी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अपने आप आपको सिस्टम में बटन्स दिए जाते हैं, बस क्या ज़रूरत है थोड़ी सी नॉलेज की। और आपके पास नहीं है तो हमारे वीडियोस हैं, जैसे मैं आपको देता रहता हूं। तो इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन है इसको लेके, जो आपको समझ नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो काफ़ी अगर रिक्वेस्ट आती है तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूं। तो ये रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत आई थी लोगों की, कि हमारा फ़ोन पहले बहुत अच्छा चला, लेकिन अब वी आर गेटिंग प्रॉब्लम कि वो स्लो हो रहा है। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाऊँगा इसकी, जैसे मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ वैसे आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। कब करना है, हर एक हफ्ते में एक बार कर लें तो बहुत अच्छा चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा आपके टाइम की कमी है, याद नहीं रहता, तो 15 दिन में एक बार तो कर ही लें ऑप्टिमाइज़, इस तरह से जैसे मैं बताऊँगा। बड़ा आसान है, स्क्रीन पर जाना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपका फ़ोन हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, फास्ट रहेगा, जितनी मर्जी ऐप डाउनलोड की रहे। ओके, तो ये है हमारे फ़ोन की स्क्रीन। एंड सबसे पहले आपने ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जाना है अपनी सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी यहाँ से। सेटिंग्स के बाद आपको डिवाइस केयर में जाना है आपने। सो जैसे ही आप डिवाइस केयर में जाएंगे, आप देखिए मेरा आ रहा है 99 out of 100। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यूज़ करना आता है। जिस बंदे को ये मालूम है स्टेप, उसका हमेशा 99 यानी 100 के आसपास मिलेगा। और जो लोग मेरे भाई जो कह रहे हैं हमारा स्लो हो गया फ़ोन, उसमें ये हो सकता है 80 मिले, 70 मिले, डिपेंडिंग अपॉन योर डिवाइस। तो आपने करना क्या है, सिर्फ डिवाइस केयर में जाके नीचे आपको दिख रहा होगा ऑप्टिमाइज नाउ। तो जैसे ही आप ऑप्टिमाइज नाउ करेंगे, ये अपने आप आपके फ़ोन को ज़बरदस्त तरह से क्लियर कर देगा। अब मेरे में ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, तो ये देखिए ऊपर स्कोर आ गया 100 और नीचे कीजिए डन, दैट्स इट। और आप देखिए दिखा रहा है ऑल गुड। तो ये स्टेप आपने करना है, ये स्टेप अगर आप 15 दिन में या हफ्ते में एक बार करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा टिप, बहुत सिंपल टिप है, बहुत आसान बना दिया सैमसंग ने। काफ़ी फ़ोन में अंदर जाके कैशे को जाके मेमोरी को क्लियर करना पड़ता है, इससे सब काम एक टाइम पर हो जाते हैं। तो ज़रूर फ्रेंड, ये अब अपने फ़ोन पे ट्राई कीजिए और अपने फ़ोन को फिर से फास्ट बनाइए डेफिनेटली। और ये करने के बाद सभी कमेंट करें कि आपके फ़ोन में कितना स्कोर था इसको करने से पहले, और उसके बाद तो 100 हो ही जाएगा।
और डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत वैसे अगर आपको मालूम है तो आप ठीक है, लेकिन काफ़ी मेरे भाइयों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं हर एक के लिए वीडियो बनाता हूँ जो छोटे से छोटी जो होती है जो काफ़ी यूजफुल है वो मैं इस पर देता हूँ, और ऐसी और भी टिप्स आती रहेंगी, और जब फ़ोन कोई बढ़िया आएगा इससे अच्छा तो वो भी मैं रिप्लेस करके आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर हम देते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ड्रोन्स गैजेट्स जो मैं यूज करता हूँ, टेक एंड डॉक्टर थोड़ी थोड़ी सलाह हेल्थ की मैं देता हूँ जो ऑनलाइन पॉसिबल है, वही सलाह यहाँ पर मिलती है। दवाइयाँ रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि विदाउट टेस्टिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट जो जनरल अप्रोच है वो मैं यहाँ पर अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सेफ रहें, घर पर रहें, जय माता दी।